हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए मज़ेदार से वीडियो में। दोस्तों, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को तो ऑलरेडी पता लग ही गया होगा कि हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार को रिप्लेस करके कार्तिक आर्यन को कास्ट किया जाने की बात इंटरनेट पे पूरी तरीके से तहलका मचा रहा है। ये सुनते ही अक्षय कुमार के फैंस तो ट्विटर पर ये तक ट्वीट कर रहे हैं, नो अक्षय, नो हेरा फेरी 3। मतलब हेरा फेरी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये फैंस से जुड़ी एक इमोशन है। लोग ये भी कह रहे हैं कि भूल भुलैया 2 क्या बना लिया कार्तिक आर्यन ने, अब तो यार सर पे चढ़ के नाचने की कोशिश कर रहे हैं कार्तिक आर्यन। लेकिन देखो मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या है असली सच, बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आपके सारे डाउट्स 100% क्लियर कर देंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, हेरा फेरी 3 अगर रिलीज़ हुई तो इसके फ्लॉप होने के चांसेस 0% है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हेरा फेरी सिर्फ एक फिल्म नहीं, इमोशन है। एक्चुअली में भूल भुलैया 2 के टाइम पे ही कार्तिक आर्यन को हेरा फेरी 3 के लिए भी कास्ट कर लिया गया था, एंड कार्तिक आर्यन ने भी इस मूवी को साइन कर दिया था। क्योंकि अब के टाइम पे अक्षय कुमार एक मूवी के लिए लगभग 100 से 150 करोड़ चार्ज करते हैं, जो कहीं ना कहीं इस फिल्म के लिए फिल्म मेकर्स को ज़्यादा लगा। उन्होंने अक्षय कुमार को इसीलिए रिप्लेस कर दिया। अब बात आता है कि जब पता है कि मूवी 100% हिट जाएगी तो मेकर्स अक्षय कुमार की डिमांड को मान क्यों नहीं लेते। वो इसलिए क्योंकि 2022 में अक्षय के हर एक मूवी लगभग फ्लॉप ही गए हैं। ऐसे में फिल्म मेकर्स जानबूझ के मूवी के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं। ऊपर से इस मूवी में ऑलरेडी बहुत से बड़े बड़े एक्टर्स भी हैं, तो ऐसे में सिर्फ अक्षय कुमार ही अगर 100 से 150 करोड़ ले जाएंगे तो मूवी का बजट 500 करोड़ पार कर जाएगा। ऑडियंस को दिलासा दिलाने के लिए अक्षय कुमार ने खुद इस मूवी को लेकर ये कहा है कि उन्हें इस फिल्म की स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले पसंद नहीं आया, इसीलिए वो इस फिल्म से नाता तोड़ लिया है, जबकि असलियत में कुछ और ही है। पर मेरे हिसाब से मेकर्स को अक्षय कुमार के डिमांड पूरा करना चाहिए, क्योंकि राजू का रोल अक्षय के अलावा कोई नहीं कर सकता। देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब यार, आपको क्या लगता है इसके बारे में, लिखिए अपना अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। एंड तब तक अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना। टाटा, बाय बाय।